वालेकुम फ्रेंड, कैसे हो आप सब लोग? अल्लाह का शुक्र है मैं अच्छे से हूँ। मैं ज्यादातर आपने देखा होगा वीडियो में, मैं ये दुपट्टा ओढ़ती हूँ। जितना दुपट्टा पुराना होता है ना गर्मी में उतना ही आराम देता है। फिलहाल तो गर्मी कम है, मौसम बहुत अच्छा हो रहा है। जैसे ही अगस्त लगाए ना, बस सुकून और राहत मिल गई है और घर का काम हो गया। घर का काम करने के बाद जो औरतों को सेटिस्फेक्शन मिलता है, जो सुकून मिलता है ना, वो एक औरत ही जानती है। ऐसा लगता है कोई जंग जीत ली। ये रोज जंग लड़नी पड़ती है और रोज जीतनी पड़ती है, क्योंकि घर का काम करने के बाद जो सुकून है ना, वो हम औरतें ही जानती है। अल्लाह कितना अच्छा लग रहा है। वरना अगर घर का काम करने से पहले कुछ अगर कोई आ जाए घर के अंदर या कुछ एक्स्ट्रा काम होता है, चिड़चिड़ सी होती है। या टाइम पर कभी काम ना हो तो भी ऐसा माइंड ना डिस्टर्ब हो जाता है। ये हम औरतें समझ सकती हैं, आदमी नहीं समझेंगे इस चीज़ को। और अम्मी ने जब ना अजान हो रही है, इसलिए मैंने वीडियो बंद कर दी थी। तो ये सेमी अम्मी ने मुझे ना ईद पे दी थी। ईद पे जब ईदी देती है ना, तो ना मैंने अम्मी को बोल दिया था कि अम्मी तुम ना मुझे ना बारीक वाली सेमी मत देना, तुम मुझे मोटी वाली सेमी देना। मोटी वाली सेमी ना फ्रेंड तहरी की तरह बनाओ ना, या कभी मैगी नूडल्स की जगह आप उसको बना लो ना, बहुत टेस्टी बनती है। फिलहाल तो मैंने आधा पैकेट दिया था। ये इस तरह की होती है मोटी वाली सेमी, बाजार में ईद के टाइम पे बहुत आसानी से मिल जाती है। बाकी दिनों का तो मुझे पता नहीं है। ये ईद पे दी थी ये, तो ये आधा पैकेट मैंने निकाल दिया है। आधा पैकेट मैं उठा कर रख दूंगी, तो ये फिर कभी बना लूंगी। और ये बहुत जल्दी से बन जाती है। दोपहर में कभी कुछ भी बनाने का मन ना हो ना, तो आप ये मसाले वाली सेवी बना लो, बहुत टेस्टी लगती है। तो मैं वही बनाने जा रही हूँ। बनाने के बाद आपसे मिलती हूँ। मैं जा रही हूँ, अपना थोड़ा बहुत काम है छोटा मोटा, उसको पटाने के लिए। वो काम ख़त्म करके फिर वापस घर पर आऊँगी। वापस घर पे आ गई हूँ, क्योंकि असर की ना अजान हो गई है, तो नमाज पढ़ने के लिए कुछ कपड़े लेके आने थे, वो कपड़े मैं लेके आ गई हूँ। और साथ सो रहा था, ये अल्लाह जान आ जाती है, जान निकल जाती है ऊपर चढ़ने में। साथ देखती हूँ सो रहा है कि जाग रहा है, क्योंकि जब मैं गई थी इसको सूत हुआ छोड़ गई थी। तो बस नमाज पढ़ के मैं फिर से चली जाऊँगी। साथ अभी भी सो रहा है नंगा पुंगा। ये ली इसकी टी शर्ट जिसको गर्मी लग रही थी, उतार के सो रहा है। अगर ये सो रहा है तो मैं नमाज पढ़ लेती हूँ। नमाज मेरी हो गई है और हल्की हल्की बारिश भी हो रही है, लेकिन फिर भी थोड़ी सी उमस है। तो चलो जो काम करना है वो करके आ जाती हूँ मैं, क्योंकि बहुत दिन से मैं डिले कर रही थी। मैं आज मैं करके आ जाती हूँ। मुझे कुछ दवाई भी लेनी है अपने लिए, वो दवाई भी लेके आती हूँ। साथ अभी तक सो ही रहा है, तो चलो करते हैं काम अपना। जल्दी से मुझे रिक्शा मिल जाए ताकि मैं जल्दी से जाऊँ, जल्दी से आ जाऊँ। और बारिश अभी थोड़ी देर रुक गई है, छाता भी नहीं मेरे पास में। फ़ोन पर भी कोई ऐसा कवर नहीं है जो पानी से बच जाए। कवर है फ़ोन का, पर घर पर रखा, मैं लेके नहीं आई। और मेरे पास भी छाता नहीं है, तो फटाफट से मैं जाऊँ और आ जाऊँ। चलते चलते मुझे वही दिन याद आ गया फ्रेंड, जिस दिन मेरा पैर मुड़ गया था और मेरा मोबाइल टूट गया था। देखो इस तरह से मेरा पैर मुड़ गया था। ये वही जगह है जिस दिन मैं गिरी थी, और मुझे वो दिन आज भी याद है, हमेशा याद रहेगा। क्योंकि मेरा फ़ोन टूटा था, जिसकी वजह से मेरे फ़ोन में 10,000 का खर्चा आया। तो जाहिर सी बात है वो दिन याद रखने वाला ही होता है। जिस दिन कोई भी बड़ा नुकसान होता है ना फ्रेंड, तो कोई भी इंसान उस दिन को भूल नहीं पाता है। तो ये वही जगह थी, तो मुझे याद आ गई। फिर थोड़ी देर खड़ी हुई, बारिश फिर से स्टार्ट हो गई थी, और मुझे आज देर में ऑटो मिला। लेकिन ऑटो में बैठ कर बड़ा अच्छा लग रहा था, भैया ने गाने वाने लगा रखे थे, बाहर बारिश हो रही थी, इसलिए मैं ओवर वॉइस कर रही हूँ, वरना गानों की आवाज़ आएगी तो क्लेम वगैरह आ जाता है मोबाइल में, हम लोग को प्रॉब्लम हो जाती है। दवाई भी चाहिए थी, दवाई भी ले ली है। अभी यहाँ पे दुकान पे खड़ी हो गई है, क्योंकि बाहर ना बारिश हो रही है, और मुझे साथ के लिए अपने लिए शोरबा लेना है। तो मोबाइल का ख्याल ऐसा रखना पड़ रहा है, छोटे बच्चे का रखती हूँ ना, इस तरह से मोबाइल ख्याल रख रही हूँ मैं, क्योंकि एक दो बूंद पानी की भी चली जाएगी ना, इतना ख़राब हो जाएगा। इसलिए मैं यहाँ खड़ी हूँ। और ये रही शोरबे की दुकान, यहाँ पर भैया बना रहे हैं, तो वहीं सोचे थे जब तक यहाँ खड़ी हो जाती हूँ। चलो मैं मोबाइल की दुकान पर खड़ी हूँ, तो फिर सोच रही मोबाइल में कांच जलता है, गोरिल्ला कांच बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको भैया? यूवी है ये आपका? अच्छा, तो कुछ कांच डलता है, इससे भी सेफ्टी रहती है, फ़ोन अगर गिर जाए तो फ़ोन टूटेगा नहीं। तो चलो वो भी करवा के देख लेती हूँ मैं। हाँ नहीं, आपका नहीं लूँगी, कांच का तो ले सकती हूँ ना, ये वाला ना। अच्छा, ये कर्व वाला जैसे मोबाइल है मेरा, वैसे ही है ना ये भी? तो ये चीज़ है इसको, इससे ना कुछ कुछ वो तो नहीं पड़ेगा, ऐसे फ़ोन कभी गिर जाता है कुछ भी। और चलते हैं, काम भी मेरा हो गया और बारिश भी अभी भी हो रही है। फटाफट रिक्शा मिल जाए, रिक्शे वाले परेशान ना करें बस। मेरा सामान सारा, क्या करूँ,
जब मैं मार्केट में थी ना तो सात का फोन आ गया था मुझे कि मम्मा आप कहाँ पर हो, तो मैंने उसको सारी बात बताई, तो कहने लगा जब वापस आओगे तो मेरे लिए कुछ ना कुछ खाने को लेके आना। तो फिर मैंने कहा ठीक है, तो फिर मैंने बोला सोचा पहले मोमोज लेके आती हूँ, फिर मैंने सोचा चलो उसको ये शोरबा ले लेती हूँ क्योंकि उसने काफी दिन से शोरबा नहीं खाया है, तो उसके लिए लेके आई थी। बारिश अभी भी कंटिन्यू हो ही रही है और मैं तो दुआ कर रही हूँ अल्लाह पूरी रात ऐसी बारिश होती रहे होती रहे होती रहे। और बस घर पे आई थी तो छोटा मोटा काम मेरा रहता ही है, कुछ ना कुछ में ये बर्तन धो के लगाना, ये करना। तो मैं रात के 11:30-11 बजे जब सुकून होता है, जब मैं सुकून से बैठती हूँ, और अभी भी मुझे रोटी बनानी है। मुझे ना घूंघट काटने का बहुत शौक है फ्रेंड, पर ऐसा कुछ काट नहीं पाती हूँ। बहुत शौक है मुझे घूंघट काटने का, नहीं मिला है ना घूंघट काटने को, इसलिए शौक है। अगर घूंघट ससुराल में घूंघट काटने को मिलता ना तो इसी बात पे ही अरे घूंघट काटवाते हैं, मैं घूंघट कैसे काटूँ, जो सही है वो सही है फ्रेंड। अभी जो चीज़ मतलब ऐसे घूंघट काट लेते ना ऐसे करते हैं, मुझे तो ससुराल में ऐसा अल्लाह का शुक्र है ऐसा कुछ भी नहीं मिला घूंघट वगैरह काटने को, नहीं मिला इसलिए शौक है। अगर मिलता ना तो यही चीज़ मुझे बुरी लगती है, मुझे नहीं मतलब किसी को भी बुरी लगती। तो फिलहाल तो चलो और आगे की बात करते हैं, कंटिन्यू करते हैं इस बात को। आज खाने में बनाया है अरबी गोश्त बनाया है और रोटी अभी बनाऊंगी थोड़ी देर में, क्योंकि अभी शोरबा खा लिया था, थोड़ा पेट भरा भरा हो गया है। और बस कुछ नहीं फ्रेंड, और आज की बात तो ना टेस्ट आने वाले हैं तो वो अपनी पढ़ाई कर रहा है और मैं क्या करूँ, मैं आपसे बात ही कर लेती हूँ फ्रेंड, चलो बात ही कर लेती हूँ। मुझे यहाँ पे 2 साल हो जाएंगे दिसंबर में आगरा में, ठीक है। और एक बात बताऊँ आपको, अभी तक 2 साल अल्हम्दुलिल्लाह 2 साल होने वाले हैं, कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि मेरी और मेरी भाभियों के बीच में इस लेवल की लड़ाई हो गई हो कि पड़ोसियों ने सुनी हो, बस्ती में सुनी हो, या होता है ना लड़ाई वड़ाई होती है तो कानों में चली जाती है बातें। हाँ दिसंबर में आए थे अपन, 9 दिसंबर को अपन दिसंबर में आए, मेरे को याद है। तो होती है ना, सब पता चल जाती है चीज़ें। मुझ में एक चीज़ है, मुझे लगता है ना कि ये इंसान से मेरी नहीं पट रही है, ये इंसान ना, पता है मुझे सबसे ज़्यादा बुरा फ्रेंड क्या लगता है, सबसे ज़्यादा बुरा जो चीज़ मुझे पसंद ही नहीं है, मुझे वो चीज़ मुझे है ना मेरी लाइफ में कोई इंटरफेयर करे ना मुझे बिल्कुल भी नहीं पसंद है। मेरी लाइफ में मैंने किसी को हक नहीं दिया है, मेरा शौहर और मैं मेरी लाइफ में हम लोग किसी को भी इंटरफेयर पसंद करें, ये चीज़ शुरू से अब तक हम लोगों ने एक चीज़ लेके चल रहे हैं दायरा कि कोई भी हो, साइना तेरे घर वाले हो मेरे घर वाले हो, हमें अपनी लाइफ खुद करनी है, आसान है मुश्किल है तो आसान करनी है, लेकिन कभी किसी का इंटरफेयर नहीं चाहिए हमें। वो चीज़ मैं शुरू से लेकर चली हूँ, ये चीज़ मैंने अपने मायके तक में सीमित रखी है। ऐसा नहीं है कि मैं उनकी लाइफ में इंटरफेयर कर नहीं मैं ना ही मैं उनकी लाइफ में इंटरफेयर करती हूँ और ना ही मैंने उन लोगों को इतना हक दिया है फ्रेंड कि वो मेरी लाइफ में इंटरफेयर करें। पहली बात तो इस तरह की हम लोगों ने रिश्ते को आगे बनाया ही नहीं है। मेरा कहने का मतलब ये एक पॉइंट पे कि फ्रेंड अगर आपकी शादी हो गई है, आप एक बेटी हो उस घर की, अब आप एक बहू बन चुकी हो, ठीक है, और आप आपके घर में बहू आ चुकी है, मतलब भाभी आ चुकी है आपके घर में, समझ में आई। पहले आप अकेले थे लेकिन अब उस घर का जो दारोमदार है आप, उस घर की बहू है, सास है, उस घर का बेटा है। अगर आप अभी भी जाके अपने घर के अंदर मायके में इंटरफेयर करोगे, अपनी भाभी उसके ऊपर आप मतलब अपना अपनी चलाओगे, अपनी माँ घर की माँ आप बहुओं की ना सुन के बेटियों की सुनेगी फ्रेंड, वो घर को बर्बाद होने से कोई नहीं रोक सकता। ये चीज़ को मैं लिख के दे दूँ 110% लिख के दे दूँ, जिस जो घर बर्बाद होता है ना वो आधा 110% इसी वजह से बर्बाद होता है, जिस घर की बेटियाँ ना अपने मायके को छोड़ती नहीं है, भाभियों को नीचे रख के अपनी चलाती हैं, अपनी हमेशा अपनी बात ऊँची रखती है ना, वो घर हमेशा बर्बाद ही रहता है। और जिस घर की सास ना बेटियों बहुओं को छोड़ के बेटों को छोड़ के अगर बेटियों को ज़्यादा रिस्पेक्ट देने लगती है, रिस्पेक्ट देखो रिस्पेक्ट देना चाहिए बेटी है वो, लेकिन आप किसी की बेटी को अपने घर में बहू बना के लाए हो, वो आपकी घर की इज्जत है, वो आपकी बेटी की इज्जत है, वो आपकी नस्लों को आगे बढ़ाती है, वो आपको खानदान को आगे बढ़ाती है, तो आपको किसको इज्जत देनी चाहिए? आपकी बेटी दूसरी की घर की बहू है ना, तो आप वो वहाँ की रिस्पेक्ट है, वो वहाँ की इज्जत है, लेकिन किसी घर की बेटी अगर आपकी चौखट पे आ गई है, आपके घर में आ गई है ना, वो मरते दम तक आपका नाम लेके चलेगी, उसका अपना नाम सब खत्म हो जाता है, उसका आधार कार्ड पासपोर्ट जब बनता है ना उसका शौहर का नाम लिखाया जाता है, उसका बाप का नाम नहीं लिखाया जाता, उसका भाई का नाम नहीं लिखाया जाता। तो जब जिस चीज़ में हम चीज़ अल्लाह ने हमें जोड़ दिया है ससुराल से हमारे शौहर के नाम से, तो आप अगर अपनी बेटी को घर के अंदर ज़्यादा इंटरफेयर करवाओगे या एक बेटी भी ज़्यादा इंटरफेयर करेगी ना मायके में फ्रेंड, तो वो घर तो बर्बाद होना ही है, वो घर को बर्बाद होने से कोई रोक ही नहीं सकता, उस घर का चैन सुकून हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि हर किसी का एक अपना दायरा होता है फ्रेंड। तो मैं अपने घर की रानी हूँ, मैं अपने घर में अच्छा बनाऊँ बुरा बनाऊँ, बनाऊँ नहीं बनाऊँ, बाजार से जाके खाऊँ होटल में खाऊँ कुछ भी करूँ, ये मेरी लाइफ है, ये मैं डिसीजन लेती हूँ।
मेरी अम्मी अपने घर की रानी है तो वो दूसरों की घर की रानी नहीं बन सकती, मेरी सास अपने घर की रानी महारानी है लेकिन वो दूसरे की घर की रानी महारानी नहीं बन सकती। हर किसी का एक अपना दायरा होता है फ्रेंड, हर किसी को अपने दायरे में रहना चाहिए। अगर आप दायरे को छोड़ के अगर आप अपने मायके में मायके में इंटरफेयर करोगे, मैं भी जाती हूँ फ्रेंड 10 बार चली जाऊँ, चाहे मैं 2 बार जाऊँ, चाहे मैं 10 दिन में 1 बार जाऊँ, लेकिन मुझे कोई हक नहीं बनता मैं अपनी भाभीियों की लाइफ में इंटरफेयर करूँ। तूने खाना बनाया कि नहीं बनाया, क्यों नहीं बनाया, अम्मी देखना प्लाजो पहनी है, अम्मी देखना पैंट पहनी है। मेरी लाइफ में मेरी सास ने मुझे इतनी आज़ादी दी है कि मैं कुछ भी पहनती हूँ, मेरे शौहर ने मुझे आज़ादी दी है, तो मैं कौन होती हूँ अपने मायके में अपने इंटरफेयर करने वाली। तो इसको एक अगर बेटी को ना समझदार से यही काम लेना चाहिए कि जैसे कि तुम भी किसी की घर की बहू हो ना, तो ऐसी तुम्हारी भाभी भी तुम्हारी घर की बहू है। तो आप ना और घर की सास को घर की माँ को ये चीज़ सोचनी चाहिए कि मैं किसी की बेटी को अपने घर की बहू बना के लाई हूँ, जो मेरी इज्जत है, जो मेरी बेटी की इज्जत है, जो मेरी नस्लों को मेरे खानदान को आगे पहुँचाएगी, तो आप उसको इज्जत नहीं दोगे? आप उसकी बुराई करके या आप उसको नीचा दिखा के अपनी बेटी को ऊपर रख के आप क्या ले लोगे, आपको क्या हासिल मिल जाएगा? सिर्फ घर में बर्बादी के सिवा और घर में मनुष्यत के सिवा कुछ नहीं मिलता फ्रेंड, ये मैं आपको पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रही हूँ। आप रहो, आप जाओ, उठो, बैठो, लेकिन ऐसे जाओ, ऐसे ऐसे आओ जैसे कि किसी को पता ही नहीं चले कि आप आते हो और आप जा भी रहे हो। कितने कितने दिन में आती है, मेरे पड़ोसी बोलते हैं साइना तू आती नहीं अम्मी के घर पे, मैं कब जाती हूँ कब आ जाती हूँ फ्रेंड, किसी को कुछ नहीं पता चलता, ना ही ऊधम, ना चीची, ना चिल्लाई गया, उसने मुझे चाय की नहीं पूछी, तूने मुझे पानी की नहीं पूछी, अरे तूने मुझे सलाम नहीं किया। अरे फ्रेंड इतनी इतनी सी बातों को लेके कहते नहीं, सूखे ढेर में आप अतली मारोगे ना तो बड़ा धमाका ले लेते हैं। हाँ, कि इसने सलाम नहीं किया, इसने मुझे चाय की नहीं पूछी, इसने पानी की नहीं पूछी, मैं खड़ी थी तो मुझे बैठने की नहीं पूछी, इतनी ऐसी ऐसी बातें करोगे ना वो घर कभी भी आवाज़ नहीं रह सकता। आप अपना भी चैन सुकून खोगे, सामने वाले का भी चैन सुकून खोगे। तो आपकी वो भाभीियों का घर है, आप जाओ एक फ्रेंड के नाते, बेटी के नाते, बहन के नाते जाओ, बैठो, हंसी मजाक करो, दिल हल्का करो, उनका भी दिल, उनको भी ऐसा लगेगा आप जा रहे हो, आप उनसे हंसी मजाक कर रहे हो, आ जाओ बस। लेकिन अगर आप इंटरफेयर इतना हद तक करोगे कि घर में क्या आ रहा है, घर की बहू क्या पहनेगी, माँ के साथ बुदुर 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 बुदुर, तो भाई ना तो सुख से तुम रह पाओगे, ना उस घर की बहुएं रह पाएंगी, ना बेटा रह पाएगा, ना उस घर की माँ रह पाएगी। मैं तो क्लियर खुला बोलती हूँ फ्रेंड, अच्छी बात है लगे तो जिसको अच्छी लगे, बुरी लगे तो वो तो उसका अपना पॉइंट ऑफ व्यू है सबकी, ये मैं अपनी सोच बता रही हूँ आपको। अगर आप अपनी बेटी हो ना, आप किसी की घर की बहू बन चुकी हो, तो आप अपने मायके में इंटरफेयर मत करो, आपकी दुनिया अलग है। और उस घर की सास को भी सोचना चाहिए, मैं किसी की बेटी को लेके आई हूँ, वो मेरी इज्जत है, उसका नाम मेरे खानदान से, मेरे घर से, मेरे बेटे से जुड़ चुका है, उसकी हर चीज़ आपके घर से चलेगी। तो बस इस चीज़ को समझ जाओ, क्योंकि अगर घर की बहुएं नहीं आएंगी ना तो आपका खानदान ख़त्म हो जाएगा। कोई आपके खानदान को एक बहू चाहिए आपके खानदान को आगे पहुंचाने के लिए, आपकी नस्लों को जिंदा रखने के लिए, आपके खानदान का नाम रखना जिंदा रखने के लिए, तो ये सब चीज़ चाहिए ना, तो उसकी रिस्पेक्ट करो, इज्जत करो, उसकी बुराई मत करो, चाहे आगे करो बुराई या पीछे करो बुराई, तो बुराई होती है। या अगर आपका बेटा आपके पास 2 मिनट आके बैठे तो आप अपनी उसकी बहू की बुराई कर रहे हो, उसकी बीवी की बुराई कर रहे हो, तो क्या ही ले लोगे आप, क्या कर लोगे, कुछ नहीं हो सकता फ्रेंड। बस यही है समझदारी इसमें, ये एक बेटी होने के नाते बता रही हूँ, मैं भी 2 साल से रह रही हूँ, कब जाती हूँ कब आती हूँ ना फ्रेंड कुछ नहीं पता होता, 4 दिन जाती हूँ 2 दिन जाती हूँ, कोई नहीं कह सकता कि साइना को 2 साल हो गए यहाँ पे आके और बस्ती में हमने इतनी इतनी लड़ाइयाँ सुनी है। मेरी अगर किसी से नहीं बन रही है ना फ्रेंड, तो मैं अपने चुप लगा जाती हूँ, मैं पीछे सरक जाती हूँ। ऐसा तो नहीं है कि मैं अलग मिट्टी से बनी, मेरे को भी चीज़ें बुरी लगती हैं, किसी को मेरी चीज़ें भी बुरी लगती होंगी, मेरे को किसी की बातें बुरी लगती है तो किसी को मेरी बातें भी बुरी लगती होंगी। लेकिन जब मैं देखती हूँ ना यहाँ पर रवैया अलग है, कोई लोग खिंच रहा है, तो मैं चुपचाप रहकर पीछे खिसक जाती हूँ, बस रास्ता बदल लो, इग्नोर कर दो अपनी, आप थोड़ा सा अलग हो जाओ, लेकिन अलग ही बिहेवियर में लड़ोगे तो फिर घर की सुख शांति आपकी वजह से भंग होगी, कोई भंग करने वाला नहीं है। एक बेटी होने के नाते बोल रही हूँ, इस वक्त मैं आगरा में रह रही हूँ, बेटी होने के नाते बोल रही हूँ, आप अपने मायके में इंटरफेयर करना बिल्कुल मत करो। आप अपनी माँ को भी समझाओ, तुम्हारे घर की इज्जत, तुम्हारे जो पहला हक बनता है ना, वो आपकी बहू बेटे का बनता है, बहू बेटों से आपका घर चलता है, आप लेके आए हो उनको, तो बस उनको इज्जत दोगे, बेटी को भी बुलाओ, प्यार से बिठाओ, बस आओ, पूछो हाल चाल, तो खाना वाना खिलाओ अपने। अल्लाह हाफिज़, जल्दी मिलूंगी नए ब्लॉग के साथ में, रोटियां बनानी है, देर हो रही है, बात करूंगी तो बहुत सारी करूंगी, किसी को मेरी बातें चुप भी सकती है, उसके लिए सॉरी बोलती हूँ, लेकिन सच है, जो भी है सच है। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, शाइना खान डेली ब्लॉग को, ताकि मैं बहुत सारी बातें दिल की आपसे रियल असली वाली बातें आपसे करती रहूँ। वो झूठ वूठ बोलना मेरे को नहीं आता, ना मैं बोलती हूँ, चैनल चला नहीं चला, व्यूज़ आए नहीं आए, वो अपनी बात, दिल से बात कर रही हूँ इसलिए आप तक पहुँचेगी, इंशाल्लाह आप समझोगे इस बात को। अल्लाह हाफिज़। साइना खान डेली ब्लॉग, सब्सक्राइब मेरे चैनल, बहुत सारे लोग सब्सक्राइब नहीं करते, चैनल देखते हैं मेरा, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दिया करो, और आने वाले टाइम में मेरा ब्लॉग आप तक नहीं पहुँचेगा। अल्लाह हाफिज़।